लोग जैसे अपने आईजी टूल में ये चीट कोड नंबर डायल करोगे तो आप लोगों का गेम है वो मल्टीप्लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपने कैरेक्टर को मैंने बाइक के पीछे भी बिठा रखा और अपने गेम में इसको भी इंजॉय करने में काफी ज्यादा मुझे मजा भी आ रहा। और अगर आप लोगों को भी नहीं पता कि अपने गेम में न्यू मल्टीप्लेयर को कैसे कर सकते हो, इसका चीट कोड नंबर क्या है, तो आज की वीडियो आप लोगों को देखने के बाद अपने गेम में मल्टीप्लेयर का चीट कोड नंबर पता चलने वाला है। साथ ही आप लोगों को ये भी बताने वाला आप लोग अपने कैरेक्टर के कपड़ों के ऊपर आरजीबी कलर कैसे कर सकते हो, क्या चीट कोड नंबर डायल करके अपने कैरेक्टर के ऊपर आरजीबी कलर हम लोग कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हो मैंने अपने गेम में रेन मोड को भी ले लिया और अपने रेन मोड को भी एंजॉय करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो रेन मोड का चीट कोड नहीं पता आप लोगों को तो आज की वीडियो में आप लोगों को ये भी आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही एक गुड न्यूज भी बताऊंगा कि अपने गेम में ऑटो रिक्शा भी ऐड हो चुकी है और ऑटो रिक्शा का चीट कोड नंबर क्या होने वाला है ये भी आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाला हूं। इंडियन फैक्ट्री के अंदर आज न्यू चीट कोड है तो आप लोगों में चलो एक एक करके चीट कोड बता दो। बिना किसी देर के चलो वीडियो करते स्टार्ट हो रहा, आप लोगों को एक एक करके चीट कोड बता दो। आप लोग अपने गेम में चीट कोड लिख भी सकते हो या फिर याद भी कर सकते हो। बिना किसी देर के वीडियो करते स्टार्ट। तो फाइनली गाइस मैं छोटे से न्यू आर्टिकल फिर से और आज की जो वीडियो होने वाली वो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली क्योंकि आज मैं आप लोगों को अपने गेम में न्यू चीट कोड बताने हूं। तो चलो मैं आप लोगों को एक करके चीट कोड बता दूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा अपने गेम में आप लोग अपने मल्टीप्लेयर को कैसे कर सकते हो। तो मल्टीप्लेयर करने के लिए जैसे आप लोग अपने गेम ओपन करोगे तो वैसे आप लोगों के सामने थ्री ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें फर्स्ट मिलेगा सेटिंग है, सेटिंग है थंडर चैलेंज का। बट अगर हम लोग सेटिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को, चलो पूरे सेटिंग में आप लोगों को आगे बताने वाला हूं कि मैं गेम को मल्टीप्लेयर कैसे करना है। ठीक है, जैसे आप लोग अपने गेम में प्ले पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को गेम है वो नॉर्मली प्ले हो जाएगा बट इसमें आप लोगों को एक आईजी टूल में चीट कोड नंबर डायल करना है वो सेटिंग को लगाने के बाद, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी शुरू में सेटिंग जो दिखाई है। ठीक है, तो अपने गेम में आप लोगों को अब जब मैं आप लोगों को मल्टीप्लेयर करके दिखा देता हूं, आप लोगों को मैं बता देता हूं अपने गेम में जो हमारे गेम को डेवलपर है उन्होंने गेम को मल्टीप्लेयर तो कर दिया बट आप लोगों को सबसे पहले अपनी सेटिंग में एक ऑप्शन को क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद सेटिंग में आने के बाद आप लोगों को यहां पे एक चीट कोड नंबर डायल करना पड़ता है। ठीक है, आप लोग यहां पे देखोगे अपने गेम में जो मेरा गेम है वो मल्टीप्लेयर में कन्वर्ट हो चुका है और अपने जो कैरेक्टर है मेरा जो दोस्त है वो मेरे पीछे की साइड बैठा और अपने बाइक में बैठने के बाद उसकी आवाज आ रही है बट मैंने आप लोगों को लिए आवाज बंद कर रखी है। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अपने गेम को आप लोग मल्टीप्लेयर कैसे कर सकते हो। तो गाइस मैंने आप लोगों को अपने गेम तो मल्टीप्लेयर करके दिखा दिया, अब आप लोगों को बताया तो कि आप लोग भी अपने गेम में कैसे कर सकते हो। तो अगर आप लोग भी अपने गेम में सभी बंदे चाहते हैं कि अपने गेम में मल्टीप्लेयर का चीट कोड लेना तो इस वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल लास्ट तक देख लेना, चीट कोड नंबर आगे बताना, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। अभी आप लोगों को मैं बता देता हूं अपने गेम में आप लोग किस तरह से न्यू रेन मोड को ले सकते हो और रेन मोड का चीट कोड नंबर भी क्या होने वाला। तो यार तुम कमेंट करके बोल लेते कि रेन मोड का चीट कोड नहीं देखने को मिलता, रेन मोड का चीट कोड है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। मैं रेन मोड को करने के लिए सबसे पहले अगर आप लोग अपने गेम में नो डायल करोगे तो डायल करने से अपनी जो गेम में पूरी रात हो चुकी है और अपना नाइट मोड हो चुका है और देख ही सकते हो नाइट मोड में काफी ज्यादा अमेजिंग देखने को मिला और तारे भी काफी ज्यादा अमेजिंग देखने को मिल जाते हैं। बट हमको तो अपने गेम में रेन मोड को करना है तो रेन मोड का चीट कोड नंबर भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। तो इनको इसमें डायल नहीं करना पड़ता, इसमें डायल करेंगे तो रेन मोड इसमें नहीं होगी, इसका चीट कोड डायल करना पड़ेगा हमको आईजी टूल में जो कि हमारे गेम में न्यू ऑप्शन है। ठीक है, तो वो चीट कोड नंबर हम लोग जल्दी से लगाते हैं और अपने गेम में आप लोगों को मैं रेन मोड को करके दिखा दूं। जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हो मैंने अपने गेम में रेन मोड को ले लिया और अपने रेन मोड को एंजॉय करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो इसी चीट कोड को ये वाला जो चीट कोड है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अपने गेम में आप लोग भी किस तरह से ऐसे रेन मोड को कर सकते हो। तो रेन मोड का चीट कोड काफी ज्यादा सीक्रेट है, अगर आप लोग भी आप लोगों को मैं सबसे पहले रेन मोड का चीट कोड बता रहा हूं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोगों को लाइफ टाइम में आप लोगों को प्रोवाइड करता रहता हूं। आप लोग अपने कैरेक्टर के कपड़ों के ऊपर आरजीबी कलर कैसे कर सकते हैं तो चलो मैं आप लोगों को बता देता हूं। उसके बाद आप लोगों को रेन मोड का चीट कोड और मल्टीप्लेयर का भी चीट कोड नंबर बताने वाला हूं। ठीक है, तो कपड़े के ऊपर आरजीबी कलर करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कपड़े पहनने होंगे जिसके ऊपर आप लोग आरजीबी कलर करना चाहते हैं। तो मैं अपने गेम में ये वाला पहन लेता हूं या फिर ये वाले की जगह लाल वाला पहन लेता हूं। ठीक है, मैंने जल्दी से पहन लिया है और अब आप लोगों को मैं इसके ऊपर अपने गेम में आरजीबी कलर करके दिखाने वाला हूं। तो आप लोगों को आरजीबी कलर करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, आप लोगों को केवल कुछ नहीं करना, इस पे आप लोगों को एक आईजी टूल में चीट कोड नंबर डायल करना है जिसकी वजह से आप लोगों का जो कैरेक्टर के कपड़ों के ऊपर आरजीबी कलर होने वाला है। वो चीट कोड नंबर काफी ज्यादा सीक्रेट है और काफी ज्यादा यूनिक भी है, लेकिन मैं आप लोगों को वो चीट कोड नंबर जरूर से बताऊंगा। तो जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपने कैरेक्टर के ऊपर आरजीबी कलर कर रखा है और काफी ज्यादा यूनिक भी देखने को मिल सकता है। हालांकि हम लोग अपने गेम में न्यू हाउस के ऊपर भी आरजीबी कलर कर सकते हैं और कपड़े के ऊपर भी, ठीक है, बट आप लोगों को न्यू हाउस के ऊपर तो आरजीबी कलर करना आता होगा लेकिन आप लोगों को अपने कैरेक्टर के अपने कपड़ों के ऊपर आरजीबी कलर नहीं करना आता होगा। तो वो चीट कोड नंबर भी आप लोगों को मैं आगे बताने वाला हूं। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई अगर आप लोग सारी चीट कोड आगे बता दोगे तो अभी क्या चीट कोड नंबर बताने वाला हूं। तो यार मैं आप लोगों को बता देता हूं अपने गेम में सारे चीट कोड जो कि मैंने आप लोगों से जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। साथ ही एक और देख लेते हैं अपने गेम में हम लोग ऑटो रिक्शा भी जो ऐड हुई है उसका चीट कोड नंबर भी। ठीक है, तो आप लोगों को अपने गेम में ऑटो रिक्शा का चीट कोड नंबर डायल करना है। सबसे पहले आप लोगों को डायल करना है 20। चलो पहले आप लोग यहां पे देख सकते हो अपने गेम में मैंने ऑटो रिक्शा को ले लिया और ऑटो रिक्शा को एंजॉय करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो अब जो इसका हम लोग चीट कोड भी गाइस देख ले, लाइव चीट कोड बता देता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को अपने गेम में सारे चीट कोड को डायल करने से पहले एक छोटी सी ट्रिक को बताना चाहता हूं। ट्रिक को देख
देखने के बाद आप लोगों को अपने गेम में न्यू चीट कोड भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ट्रिक काफी ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली, छोटी होने वाली, लेकिन ट्रिक काफी ज्यादा यूनिक है। आप लोगों को पहले अपने गेम में एक जेट पैक को स्पॉन करवा लेना, मिनी वाले जेट पैक को, ठीक है। तो मिनी जेट पैक को स्पॉन करवाने के बाद आप लोगों को करना कुछ नहीं है, पहले इसके अंदर इजी तरीके से बैठ जाना है। बैठने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा इसको उड़ाना है, जैसे कि मैं अपने गेम में इसको उड़ा रहा हूँ, ठीक है। उड़ाने के बाद आप लोगों को इसके अंदर लेना है, मतलब जो आप लोगों को देखने को मिलता है स्विमिंग पूल, और स्विमिंग पूल के अंदर आप लोगों को ले जाना है और आप लोगों का करेक्टर आप लोगों को उतर जाना है। उसके बाद आप लोगों को दोबारा से इस पर क्लिक करना है और आप लोग जैसे अपने आसमान में दोबारा से इसको उड़ाना है, और उड़ाने के साथ साथ आप लोग देखोगे आप लोगों का जो करेक्टर है वो किस तरह से कर रहा है, मतलब वो इसको ऐसा लग रहा है, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने इसको जबरदस्ती इसके ऊपर बांध दिया है और ये कह रहा है कि मुझे छोड़ो भाई, नीचे गिरो भाई, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। लेकिन सबसे जो ट्विस्ट है और काफी ज्यादा यूनिक है, अगर आप लोग इतनी ऊपर ले जाने के बाद भी इसको इस पर ऐसे छोड़ देते हो तो अपने जो करेक्टर है वो बिल्कुल ऐसे नहीं गिरता है, बिल्कुल ऐसे ही गिरता है और उसको चोट भी नहीं लगती है, मतलब काफी ज्यादा यूनिक है। आप लोग अपने गेम में एक ट्रिक को यूज करके देखना, मुझे तो काफी ज्यादा यूनिक लगी। बाकी अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली तो ये वाला इमोजी मेरे को कमेंट कर देना, संदेश मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। अभी आप लोगों को मैं न्यू चीट कोड भी नंबर बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताऊंगा अपने गेम में मल्टीप्लेयर को कैसे ले सकते हैं और मल्टीप्लेयर का चीट कोड नंबर क्या होने वाला है। अगर आप लोगों के इतने ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि अपने गेम में मल्टीप्लेयर कब आ जाएगा और मल्टीप्लेयर का चीट कोड नंबर क्या होने वाला है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं अपने गेम में जो मल्टीप्लेयर का चीट कोड नंबर है वो आप लोगों को इस वाले अपडेट में देखने को मिलेगा या फिर नहीं भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैंने गेम के डेवलपर से पूछा कि सर क्या इस वाली अपडेट में मल्टीप्लेयर को ऐड करोगे, ऑडियंस काफी ज्यादा रिकमेंड कर रही है। तो सर ने बोला कि इस वाली अपडेट में मल्टीप्लेयर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि अपने गेम में जो मल्टीप्लेयर है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा 1 बिलियन पे, मतलब अभी हमारे गेम में 100 मिलियन हो चुके हैं बट 1 बिलियन पे आप लोगों को मल्टीप्लेयर ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। तो अपने जो मल्टीप्लेयर मोड है वो आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा, हालांकि जैसे अपने गेम में मल्टीप्लेयर का ऑप्शन या फिर कोई चीट कोड नंबर आता है मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूंगा, अगर आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखते हो, ठीक है। साथ ही अब जब मैं बता दूं अपने गेम में जो बहुत बड़ी गुड न्यूज थी, अपने गेम में ऑटो रिक्शा का, मतलब ऑटो रिक्शा को ऐड कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो गाइस आप लोगों को मैं बता दूं तो इस वाले अपडेट में आप लोगों को एक न्यू ऑटो रिक्शा देखने को मिलने वाली है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है अपने गेम में आप लोगों की इस वाले अपडेट में मैंने बुलेरो कार को ऐड करवा दिया था, तो इस वाले अपडेट में आप लोगों के ऑटो रिक्शा को मैंने ऐड करवा दिया और इस वाले अपडेट में आप लोगों को ऑटो रिक्शा आने वाली है और उसका चीट कोड नंबर आप लोगों को जल्दी देखने को मिलने वाला है। आप लोग भी अपने गेम में सीक्रेट तरीके से ऑटो रिक्शा को जानना चाहते हो, सीक्रेट तरीके से न्यू ऑटो रिक्शा को लेना चाहते हो तो ऑटो रिक्शा ओपी लिख देना। सेकंड पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा अपने गेम में ऑटो रिक्शा को मैंने कैसे लिया और आप लोग भी सीक्रेट तरीके से कैसे लिख सकते हो एंड उसका सीक्रेट चीट कोड भी आप लोगों को बताने वाले हैं। बता दो अपने गेम में कपड़ों के ऊपर आरजीबी कलर कैसे कर सकते हैं, तो गाइस आप लोगों को बता दो हमारे जो गेम के डेवलपर हैं उन्होंने बोला कि अपने गेम में इस वाले अपडेट में ऐसा भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है कि आप लोग अपने गेम में अपने कपड़ों के ऊपर भी आरजीबी कलर कर सको। बट अब लोगों को अपने गेम में जैसे अपने गेम में हाउस लिखोगे उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्लोथ लिख लोगे, जैसे कि मैंने अपने गेम में यहाँ पे लिखा, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ आरजीबी, ठीक है। जैसे कि अपने गेम में आरजीबी लिखा और अपने जो हाउस है वो आरजीबी कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसी तरह से सर ने बोला कि अपने गेम में हाउस अपने कपड़े और क्लोथ लिखने के बाद और आरजीबी लिखने के बाद आप लोग अपने कपड़े के ऊपर भी आरजीबी कलर कर पाओगे। वैसे आप लोग कमेंट करके बताने कि अपने गेम में क्या आप लोगों को ऐसा ऑप्शन चाहिए फिर नहीं चाहिए। आप लोगों को मैं सबसे लास्ट चीट कोड बता रहा हूं जो कि अपने गेम में रेन मोड का चीट कोड नंबर होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है न्यू अपडेट आप लोगों को 1 तारीख को न्यू अपडेट देखने को मिला, तो इस वाली न्यू अपडेट में आप लोगों को अपने जो रेन मोड है वो ऐड होने वाला था, बट आप लोगों की इतनी ज्यादा डिमांडिंग आ रही थी कि भाई अपना न्यू अपडेट जल्दी से दे दो, तो सर को मैंने रिकमेंड करके अपना न्यू अपडेट जल्दी से आप लोगों का प्ले स्टोर पे इनेबल करवा दिया, तो इस वजह से अपने गेम में रेन मोड ऐड नहीं हो पाया। तो इस वाली अपडेट में सर ऐड कर रहे हैं, उसके ऊपर वर्क स्टार्ट हो चुका है। बाकी आप लोगों को इस वाली अपडेट में उसका 50% चांसेस है, अगर आप लोग सभी चाहते हो अपने गेम में रेन मोड को भी ऐड करवाना तो रेन मोड ओपी भी लिख देना। बाकी इस वाली अपडेट में जैसे ही रेन मोड का भी चीट कोड नंबर देखने को मिलेगा वैसे मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो इस वाली अपडेट में जो कार शोरूम है उसको मॉडिफाई करके इस तरह से कर दिया गया है, देख ही सकते हो ये कार शोरूम भी काफी ज्यादा यूनिक देखने को मिल रहा है। हमारे जो गेम के डेवलपर है उनकी तरफ से इस वाली अपडेट की इन्फॉर्मेशन कुछ इतनी अभी प्रोवाइड हुई है, ठीक है। साथ ही उन्होंने बोला कि इस वाली अपडेट में रेन मोड को ऐड करूंगा, ऑटो रिक्शा को ऐड करूंगा, कपड़ों के ऊपर भी आरजीबी कलर कर पाओगे, साथ ही आप लोगों को इस वाली अपडेट में मल्टीप्लेयर तो देखने को नहीं मिलने वाला है। बाकी आप लोगों को इस वाली अपडेट में तो देखने को नहीं मिलेगा लेकिन अपने गेम में जैसे अपना मल्टीप्लेयर का चीट कोड नंबर भी आएगा वो भी आप लोगों को बता दूंगा। बट मैं आप लोगों को एक सीक्रेट चीट कोड बताता हूं जिससे कि आप लोग अपने गेम को मल्टीप्लेयर तो नहीं कर सकते बट आप लोग अपने जो सड़क के किनारे बंदे देखने को मिलते हैं उनको आप लोग मल्टीप्लेयर कर सकते हो, जो कि मेरे को सर की तरफ से चीट कोड मिला है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखोगे अपने गेम में इधर की साइड कोई भी ऐसा करेक्टर देखने को नहीं मिला, तो मैं क्या करूंगा अपने गेम में एक चीट कोड नंबर डायल करूंगा। जैसे कि मैंने अपने गेम में 1 2 3 5 डायल करा और उसके बाद आप लोग देखोगे अपने जो ये है वो ज्यादा स्पॉन हो जाते हैं, जैसे कि ये स्पॉन हो गया और देख सकते हो। इसी तरह से आप लोग कितनी बार भी करके इनको ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लेयर कर सकते हो। ये सर की तरफ से एक चीट कोड था, बाकी आप लोग कमेंट करके बताना ये चीट कोड नंबर कैसा लगा आप लोगों को। और साथ ही इस वाले बता दो इस इंडियन बैक्टेड के अंदर इस वाले जो न्यू अपडेट है वो आप लोगों को 1 फरवरी को देखने को मिलेगा, लेकिन इस वाले अपडेट में आप लोगों को काफी ज्यादा न्यू चीजें और बहुत सारी चीजें ऐड होने वाली है।
ठीक है। बाकी अगले आप लोग सब्सक्राइब कर लो, सेकंड वीडियो में और भी ज्यादा न्यू सीक्रेट चीट कोड नंबर बताऊंगा ठीक है। बट आप लोग अपने गेम में इनको तो मल्टीप्लेयर कर सकते हो, बट अभी हम लोग अपने गेम में रियल वाला जो मल्टीप्लेयर है उसको नहीं कर सकते, उसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे अपना न्यू अपडेट में मल्टीप्लेयर देखने को मिलेगा वैसे मैं आप लोगों को बता दूंगा ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जो मैंने कर देना। मिलते हैं आप लोगों से फिर सेकंड वीडियो में, जब तक लेते हैं आप लोगों से गुड बाय, टेक केयर।